बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम डिफरेंशियल मोड, कॉमन रिजेक्शन रेशो और डिफरेंशियल एम्पलीफायर को स्टडी करेंगे। आज चूँकि हमारा इस वीक का लास्ट लेक्चर है तो इसमें हम थोड़ा सा काम ज़्यादा करेंगे ताकि नेक्स्ट वीक में हम मिड टर्म तक इस सिलेबस को अप्रोच कर सकें। In the differential mode, either one signal is applied to the input with the other input grounded, or the two opposite polarity signals are applied to the input. Input आपको पता है कि दो होती हैं, एक होती है inverting और दूसरी होती है non inverting. तो एक input पर एक signal apply करें, दूसरे input को ground कर दें, या दोनों input पर signal apply करें लेकिन polarity उनकी change हो. When an operational amplifier is operated in the single-ended differential mode, one input is grounded and the signal voltage is applied to the other input as shown in the figure A. Figure A मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी figure A है। इसमें positive वाली को ground किया गया है और negative वाली पर input signal apply किया गया है, और फिर B में input apply की गई है positive के across और negative को ground किया गया है। In the case where the signal applied to the inverting input and inverted amplified output voltage appears, ज़ाहिर है अगर हम inverted input पर apply करेंगे तो हमारा जो output signal होगा वो inverted भी होगा और amplified भी होगा। amplified तो होना ही होना है क्योंकि amplifier है। In this case where the signal is applied to the non-inverting input where the inverting input is grounded, इन्वर्टिंग को ग्राउंडेड कर दें और नॉन इन्वर्टिंग पर इनपुट अप्लाई कर दें तो उस टाइम एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, लेकिन जो वो इन्वर्टेड नहीं होगी, वो नॉन इन्वर्टिंग होगी, मतलब उसमें फेज चेंज नहीं होगा। ये डायग्राम बनाई हुई है, आपने डायग्राम को अपने नोट्स पर ड्रा करना है। तो इन द डबल एंडेड डिफरेंशियल मोड टू अपोजिट पोलैरिटी सिग्नल्स आर अप्लाइड टू द इनपुट, दोनों इनपुट पर अपोजिट पोलैरिटी अप्लाई की जा रही है। इसमें देखें क्रस्ट आ रहा है तो उसी टाइम पॉजिटिव पर आ रहा है ट्रफ, तो ये अपोजिट पोलैरिटी शो होती है। द एम्पलीफाइड डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट अपीयर एज द आउटपुट इक्विवेलेंटली। द डबल एंडेड डिफरेंशियल मोड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सोर्स कनेक्टेड बाय द टू इनपुट, दोनों इनपुट को कनेक्ट करके एक सिंगल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तब भी आप डबल एंडेड डिफरेंशियल मोड बना सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट है कॉमन मोड। तो कॉमन मोड में क्या होता है कि टू सिग्नल वोल्टेज ऑफ द सेम फेज, दोनों का फेज चेंज होता है, फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड भी सेम होती है, इनपुट पर सिग्नल अप्लाई किया जाएगा। व्हेन इक्वल इनपुट सिग्नल आर अप्लाई टू द बोथ इनपुट दे इंटेंड टू कैंसल, जब इक्वल अप्लाई किया जाएगा तो उन दोनों सिग्नल की दूसरे से कोशिश होगी कि दूसरे को कैंसिल करें, कैंसिल करेंगे तो आपके पास आउटपुट सिग्नल ज़ीरो आ जाएगा। इसे हम कॉमन मोड रिजेक्शन भी कहते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट लाइज इन द सिचुएशन वेयर वी अनवांटेड सिग्नल अपीयर्स कॉमनली ऑन बोथ ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट इनपुट, ये वहाँ पर अप्लाई हो सकता है जहाँ पर हम चाहते हो कि सिग्नल हमारा आउटपुट पर ना आए, तो वहाँ पर अनवांटेड सिग्नल अपीयर्स के लिए ये काम हम कर सकते हैं। कॉमन मोड सिग्नल जनरली आर द रिजल्ट ऑफ द पिकअप ऑफ द रेडिएटेड एनर्जी ऑन द इनपुट लाइन फ्रॉम एडजेसेंट लाइन द 60 हर्ट्ज पावर लाइन आर अदर सोर्सेज, फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिया कि हम कितनी इसमें पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। कॉमन मोड हम पढ़ चुके हैं तो ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो है जो आपके कोर्स आउटलाइन में भी है, कोर्स आउटलाइन का पार्ट है। तो डिज़ायर सिग्नल्स कैन अपेयर ऑन ओनली वन इनपुट आर विद द अपोजिट पोलैरिटी आर बोथ इनपुट लाइंस, दीज डिज़ायर्ड सिग्नल्स आर एम्पलीफाइड एंड अपेयर ऑन द आउटपुट इज प्रीवियसली डिस्कस, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि आउटपुट वो कैसी देगा। अनवांटेड सिग्नल अपीयर्स विद द सेम पोलैरिटी ऑन बोथ इनपुट लाइंस आर एसेंशली कैंसल्ड बाय द ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड डू नॉट अपीयर ऑन द आउटपुट, दोनों इनपुट पर अप्लाई किया जाए सिग्नल तो इससे कोशिश होती है कि वो कैंसिल कर दें, कैंसिल करेंगे तो आउटपुट पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। द मेजर ऑफ द एम्पलीफायर्स एबिलिटी टू रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल इन पैरामीटर इज कॉल्ड कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, ये जो एबिलिटी है कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने की इनसे हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो कहते हैं। वेरी हाई गेन होता है डिफरेंशियल मोड सिग्नल एंड ज़ीरो गेन होता है कॉमन मोड सिग्नल में। प्रैक्टिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर हाउएवर डू एग्जिबिट अ वेरी स्मॉल कॉमन
mod gain while providing a high open loop differential voltage gain. कितना हो सकता है? तकरीबन सेवरल थाउजेंड तक हो सकता है. द हायर द ओपन लूप गेन विद रिस्पेक्ट टू द कॉमन मोड गेन दिस सजेस्ट डैट द गुड मेयर ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर परफॉर्मेंस इन रिजेक्टेड अनवांटेड कॉमन मोड सिग्नल रेशो. इसको वोल्टेज गेन को ए ओ एल कहते हैं. ओ एल आपने सबस्क्रिप्ट में लिखना है. इस तरह कॉमन मोड गेन सी एम कहते हैं, इसको आपने सबस्क्रिप्ट में लिखना है. तो इसका फार्मूला बनता है डिफरेंशियल वोल्टेज गेन ओवर कॉमन मोड गेन. द हायर द कॉमन मोड रेशो द बेटर. अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ सी एम एम आर पर यही है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो डैट द ओपन लूप गेन ए ओ एल इज़ हाई एंड ए सी एम इज़ लो. जितना ए सी एम की वैल्यू कम होगी ना, उतना ही सी एम एम आर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी. अगर हमें ज़्यादा चाहिए हो उस सूरत में ए सी एम की वैल्यू को कम रखा जाता है. ऑपनली हम इस तरह डिस्कस कर सकते हैं 20 लॉग ए ओ एल ओवर ए सी एम. वो ख़त्म हो गया. नेक्स्ट है डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट. तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक एम्पलीफायर है. ये प्रोड्यूस करता है आउटपुट डेट आर द फंक्शन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट वोल्टेजेस. मतलब कि इनपुट वोल्टेज अगर डिफरेंस हो, उनमें डिफरेंस पाया जाए, तो तब ये आउटपुट जो है वो देता है. द डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज़ टू बेसिक मोड. इसके दो बेसिक मोड हैं इन विच द टू इनपुट्स आर डिफरेंट एंड द कॉमन मोड. एक वही है ना डिफरेंशियल मोड, दूसरा है कॉमन मोड. इट इज़ एनालॉग सर्किट विच हैज़ टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट. आउटपुट इज़ आइडली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंसेस बिटवीन द टू वोल्टेजेस. आगे इसकी टाइप्स हैं. टाइप्स इसकी तीन होती हैं, ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, सिंगल इनपुट एंड बैलेंस्ड आउटपुट. द डिफरेंशियल एम्पलीफायर एम्पलीफायर्स द डिफरेंस बिटवीन टू वोल्टेजेस मेकिंग दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट अ सबट्रैक्टर लाइक अ समिंग एम्पलीफायर विच एड आर सम टुगेदर द इनपुट वोल्टेज. ये आपके पास ऑपरेशन एम्पलीफायर, इसमें चार रेजिस्टेंसेस काम कर रही हैं, आर वन आर टू आर थ्री और आर फोर. करंट आई वन आई टू आई थ्री या उसे आप सिंपल आई कह सकते हैं. और ये उसके दो ऑपरेशन एम्पलीफायर के अपने इनपुट्स हैं वी ए और वी बी, और इसके अक्रॉस हमने आउटपुट लेनी है वी नाट, और रेजिस्टेंस आर फोर को ग्राउंड किया गया है. बाय कनेक्टिंग ईच इनपुट इन टर्न टू जीरो वोल्ट ग्राउंड वी कैन यूज सुपर पोजिशन टू सॉल्व द आउटपुट वोल्टेज वी नाट. डिफरेंट वैल्यू करंट की निकालते हैं. करंट की वैल्यू निकालने के लिए ओम ला ही यूज़ करना है. तो आई वन करंट की वैल्यू को निकालने के लिए देखा जाएगा कि आई वन किस किस के साथ अटैच है. सॉरी, आई वन करंट किस रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है, आर वन रेजिस्टेंस में से, और आर वन रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल कहाँ पर है, या आर वन रेजिस्टेंस किस किस पोटेंशियल के अक्रॉस अटैच है. तो आर वन रेजिस्टेंस अटैच है वी वन के साथ और वी ए के साथ. तो इसी तरतीब से ही बनाया गया वी वन माइनस वी ए ओवर आर वन. इसी तरह मैं अब आपको आई टू का दिखाती हूँ. तो आई टू करंट पास हो रहा है आर टू रेजिस्टेंस में से, और आर टू रेजिस्टेंस कनेक्ट है वी टू और वी बी के साथ. तो यहाँ से वी टू माइनस वी बी आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं. इस तरह अगली आ जाती है फीडबैक करंट. फीडबैक करंट ये वाला है, इसे आप आई एफ कहेंगे. अब आई एफ करंट पास हो रहा है आर थ्री में से, और वो किस किस के अक्रॉस है, वी ए और वी बी वी नॉट के अक्रॉस है. तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी नाट ओवर आर थ्री. समिंग पॉइंट वी ए इज़ इक्वल टू वी बी. वी ए और वी बी आपस में इक्वल हैं, दोनों इनपुट्स हैं, और दोनों के दरमियान की इनपुट्स को हम इक्वल ले सकते हैं. एंड वी बी इज़ इक्वल टू वी टू आर फोर ओवर आर टू प्लस आर फोर. ये रेजिस्टेंसेस की रेशो ली गई है. रेजिस्टेंसेस हमारे पास आर टू भी है और आर फोर भी है. आप ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले इक्वेशन को सॉल्व करके भी ये इक्वेशन बनाई जा सकती है. अब वी टू को ज़ीरो पुट करेंगे तो वी ए और वी बी चूँकि आपस में इक्वल थे, तो वी ओ इज़ इक्वल टू माइनस वी वन. अच्छा, यहाँ पर ज़रा हम इस बात को रिपीट करते हैं, आप लोग भी एज़ अ हिंट पर आकर समझ लीजिएगा कि वी बी वी टू के कैसे इक्वल आ रही है ये वाली टर्म ना.
इसको समझने के लिए आप डायग्राम की हेल्प लेंगे। तो ये है ना वी बी, ये है वी बी। अब वी बी ने पोटेंशियल ने फ्लो किस में करना है, रेजिस्टेंस आर फोर में से। तो इसको लिखना कैसे है, वी बी इज इक्वल टू वी टू और साथ में वो टर्म आएगी जिसमें से वो फ्लो कर रहा है, तो आर फोर में से फ्लो कर रहा है, और डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम आएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ कम्बिनेशन में है, तो सीरीज़ में आएंगे आर टू प्लस आर फोर। ठीक है, तो याद रखना है आर फोर वो रेजिस्टेंस जिसमें से करंट फ्लो कर रहा होगा, और आर टू प्लस आर फोर बाकी दो रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंसेस का सम आएगा। नेक्स्ट, वी नॉट ऑफ ए लिया गया, तो अब ए टर्मिनल हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, तो वो आएगा माइनस वी वन, और अब वी वन के अक्रॉस जो हमारे पास करंट था जिसका नाम है आई एफ, वो किसके अंदर से फ्लो कर रहा है, आर थ्री में से, तो आर थ्री ओवर आर वन आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट में वी नॉट ऑफ बी जब निकालेंगे तो इज़ इक्वल टू वी नॉट ऑफ बी, मतलब आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे वी नॉट ओवर वी टू। ठीक है, मतलब गेन की सूरत में आउटपुट ओवर इनपुट, वी नॉट ओवर वी टू लिखेंगे। वी नॉट की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास आ चुकी है ऊपर, मतलब वी नॉट एक तरह का वी बी ही हुआ ना, तो उसकी ये वाली वैल्यू पुट करेंगे वी टू आर फोर ओवर आर टू प्लस आर फोर, और डिवाइडेड बाय ये वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में से, सॉरी डायग्राम में से, आर थ्री करंट फ्लो कर रहा है और बाकी दोनों रेजिस्टेंसेस का सम। अब एक्चुअली में ये डिवाइड में आएगा इस तरह, नीचे डिवाइड में आएगा आर वन ओवर आर वन प्लस आर थ्री, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये टर्म बन जाएगी। अब हम टोटल आउटपुट वोल्टेज लेते हैं, तो माइनस वी नॉट ऑफ ए प्लस वी नॉट ऑफ बी, तो वी नॉट ऑफ ए ये रिज़ल्ट आ चुका है, और प्लस वी नॉट ऑफ बी की ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। वैल्यूज़ पुट कर दी, वैल्यूज़ पुट करके आप चाहें तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बुक वालों ने सॉल्व नहीं किया। आज कंडीशन लगाई है कि अगर दोनों रेजिस्टेंस, दो दो रेजिस्टेंसेस का पेयर इक्वल हो जाए तो रिज़ल्ट क्या बनता है, तो वी नॉट इज़ इक्वल टू, अब आपने ये पुट करना है कि एक किसी रेजिस्टेंस की जगह पुट करना है, लाइक आर टू की जगह आर वन और आर फोर की जगह आर थ्री पुट कर दें, तो उस टाइम ये फॉर्म बनेगी। अब इसमें आपने ख़ुद थोड़ी सी डिटेल में स्टेप करने हैं, यहाँ पर डिटेल में स्टेप नहीं है, और आप लोग मेरे सामने नहीं थे कि मैं इतना फुल ज़्यादा डिटेल में जा सकती। अब इस केस में हमारे पास ये था कि दोनों दो दो रेजिस्टेंसेज आपस में इक्वल हैं, अब अगले केस में ये करने लगे हैं कि चारों रेजिस्टेंसेज अगर आपस में इक्वल हो जाएं, तो इस सर्किट में बिकम्स अ यूनिटी गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर, एंड इस सर्किट में ये होता है कि आउटपुट वोल्टेज इक्वल हो जाता है वी टू माइनस वी वन के। नोट डैट वी वन ग्रेटर दैन वी नॉट, सॉरी वी वन ग्रेटर दैन वी टू दैन वी वी नॉट लेस दैन ज़ीरो, और अगर वी वन लेस दैन वी टू हो जाए तो उस टाइम आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाएगी। इसी से किया गया कि वी वन अगर ग्रेटर है वी टू से, मतलब वी वन ने ओवरकम कर लेना है वी टू पर, और वी वन ऑलरेडी है ही नेगेटिव में, तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो आउटपुट वोल्टेज लेस दैन ज़ीरो होगी। अब अगर वी टू ग्रेटर हो जाए वी वन पे, तो वी टू पॉजिटिव वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी वी वन के मुकाबले में, तो उस सूरत में जो आउटपुट वोल्टेज है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाएगी। इसको एड सब्ट्रैक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, और जनरलाइज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ टू इनपुट मार्क वी वन एंड वी टू बोथ आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर क्यू वन एंड क्यू टू आर बोथ बायस्ड एट द सेम ऑपरेटिंग पॉइंट विद देयर इमिटर कनेक्टेड टुगेदर। आगे मैं दूसरे डायग्राम आपको दिखाती हूँ जिसपे हमने दो ट्रांजिस्टर पे वर्क किया है, ये जैसा कि ये दो ट्रांजिस्टर्स हैं क्यू वन और क्यू टू। वोल्टेज सिनेरियो वही है, जस्ट एक ऑपरेशन एम्पलीफायर को ओपन करके दो ट्रांजिस्टर लगा दिए, वोल्टेजेस देखें इनपुट पर अभी वही हैं वी वन वी टू हैं, और हमारे पास आर सी और आर सी दोनों कलेक्टर के अक्रॉस की रेजिस्टेंसेस आ जाएंगी। सो द फॉरवर्ड बायस ऑफ ट्रांजिस्टर क्यू वन इज़ इंक्रीज, द फॉरवर्ड बायस ऑफ ट्रांजिस्टर क्यू टू इज़ रिड्यूस। एक कंडक्ट करेगा तो दूसरा कंडक्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए वर्ड इंक्रीज का और रिड्यूस का यूज़ किया है। कॉमन इमिटर रेजिस्टर आर ई विल रिमेन कॉन्स्टेंट, लाइट द इनपुट सिग्नल, द आउटपुट सिग्नल इज आल्सो बैलेंस सिंस द कलेक्टर वोल्टेज आइदर स्विंग इन अपोजिट डायरेक्शन आर इन द सेम डायरेक्शन, द आउटपुट वोल्टेज सिग्नल टेकन फ्राम बिटवीन द टू कलेक्टर इज अज्यूमिंग अ परफेक्टली बैलेंस्ड सर्किट इज जीरो डिफरेंस बिटवीन द टू कलेक्टर वोल्टेजेस। दिस इज नोन एज अ कॉमन मोड ऑपरेशन, कॉमन मोड गेन ऑफ द एम्पलीफायर।
और इसी को मज़ीद हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो या काम CMMR भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर सेम वेरिएशन आ रही हैं, वोल्टेजेस डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट यूजेज नो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कपलिंग और बाईपास कैपेसिटेंस। इट रिक्वायर्स ओनली रेजिस्टर्स एंड ट्रांजिस्टर बोथ विच कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड ऑन अ चिप। इट कैन कंपेयर एनी टू सिग्नल्स एंड डिटेक्ट एनी डिफरेंस। दस इफ टू सिग्नल्स आर फेड इन टू द इनपुट आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट डैट वन सिग्नल हैज़ बीन स्लाइटली डिस्टॉर्टेड देन द ओनली द डिफरेंस बिटवीन द टू सिग्नल डैट इज डिस्टॉर्शन विल बी एम्पलीफाइड। डिस्टॉर्शन हमने कल पढ़ी थी। ये हायर गेन देता है, यूनिफॉर्म एम्पलीफिकेशन होती है, आइसोलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट, और यूनिवर्सल चॉइस है फॉर एम्पलीफाइंग DC। इट फाइंड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन सच एज एम्पलीफिकेशन, मिक्सिंग सिग्नल जनरेशन, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन एंड टेम्परेचर कंपनसेशन। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मज़ीद अगर आपको इन रिलेशंस बनाने में कोई मुश्किल पेश आई तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा भी ऐड कर दूँगी, या कोई माइनर कुछ समझना हुआ तो वो फिर मैं उसी टाइम ही आपको समझा दूँगी। तो इसको करना लाजमी डिटेल से है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और पेपर के अंदर आने वाला है। जस्ट लिखने की हद तक और खाना पूरी नहीं करनी, बस ठीक है लेक्चर कंप्लीट कर लिया जाए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।